दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा के साथ बैठकर घर के अंदर आज जो ईशान और राजीव का झगड़ा हुआ था उस मुद्दे पर बात करते हुए दिखाई दे रही है। और इस दौरान तेजस्वी ने कह दिया है कि मुझे तो इस झगड़े के दौरान यदि सच पूछो तो समिता शेट्टी सबसे ज्यादा गलत लगती है, क्योंकि झगड़ा ईशान और राजीव का था लेकिन समिता शेट्टी बिना किसी मतलब के इस झगड़े में कूद पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, जबकि इस झगड़े के दौरान समिता शेट्टी का इन दोनों से कोई लेना देना भी नहीं था और समिता को तो पूरा मैटर भी नहीं पता था कि आखिर यह झगड़ा किस चीज का हो रहा है। ये सुनकर दोस्तों करण ने भी कह दिया कि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके अलावा करण ने यह भी कहा कि मैं भी उस झगड़े में इसलिए कूदा था क्योंकि ईशान ने मेरी मदद मांगी थी और दोस्त होने के नाते मैंने उसका साथ दिया था, क्योंकि ईशान ने अपनी बात को क्लियर करने से पहले मुझसे राय मांगी थी और मैंने जो राय दी थी ठीक ईशान ने वैसा ही किया था, इसीलिए मैं ईशान के साथ आज हर मौके पर खड़ा था। जबकि समिता शेट्टी का इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, इसके बावजूद समिता शेट्टी ने अपनी टांग बीच में अड़ाई। वहीं दोस्तों इस बातचीत के दौरान तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया था कि यदि इस तरीके का मैटर किसी मेरे बॉयफ्रेंड का होता और कोई बाहर का बंदा आकर मेरे बॉयफ्रेंड को कहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गलत लगते हो और आपको बाहर पसंद भी नहीं किया जा रहा, तो मैं उस बंदे के मुंह पर चांटा मार देती और साफ तौर पर मैं ये कह देती कि आपको उस चीज से क्या लेना देना है, हमारा मैटर है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम खुद अपने पर्सनल चीजों को खुद जानते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में तेजस्वी मायशा के बारे में भी बात करते हुए करण को बताती है कि मायशा जिस तरीके से इन दोनों के झगड़े में कूदी थी, अगर मायशा की जगह मैं होती तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, और यदि कोई मेरे बॉयफ्रेंड को इस तरीके से बाहर से आकर कोई गलत बात कहता तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि बाहर का बंदा तो हमें झगड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए कभी किसी बाहर के बंदे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और राजीव ने आज वही सब कुछ किया है इन दोनों को झगड़ा करवाने के लिए। खैर दोस्तों तेजस्वी ने तो अपनी तरफ से पूरी सफाई दे दी है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।